सुल्तानपुर में 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी के मुकद्दस मौके पर क्षेत्र में जुलूस मोहम्मदी तिरंगा झंडे के साथ हरे रंग के अलम के साथ पूरे शहर में पूरी शानो शौकत के साथ निकाला गया। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन यानी यौम पैदाइश के मौके पर आज सुल्तानपुर जिले के साथ साथ पूरे शहर में जुलूस मोहम्मदी बड़ी ही शान शौकत के साथ प्रशासन और इंतजामिया कमेटी के द्वारा तय रूट के आधार पर इंतजामिया कमेटी आशिकाने अहले बैत की अगुवाई में पूरे शहर में निकाला गया, जिसमें अंजुमनों के द्वारा मोहम्मद साहब की शान में नातख्वानी की गई। इस दौरान जुलूस में हजारों की संख्या में आए अकीकतमंदों जायरीनों ने अकीकत के साथ नारे लगाते हुए सरकार की आमद मरहब्बा, आका की आमद मरहब्बा के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। जुलूस मोहम्मदी के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पूरे जिले में भारी पुलिस बल मौजूद रही। दावते इस्लामी के सुबह बहारा का जुलूस ए मोहम्मदी सुबह 6 बजे चौक स्थित जामा मस्जिद पर काजिए शहर मौलाना अब्दुल लतीफ की अगुवाई में शुरू होकर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जमाल गेट मदरसा जामी अरबिया पर जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान पूरे शहर में जगह जगह विभिन्न अंजुमनों के द्वारा बड़े बड़े लंगरों का एहतमाम भी किया गया। आज हम सब लोग जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मना रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, अगर हम उस पर अमल पैरा हो जाए इंशाअल्लाह हम बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम बलागत में कुरान मुकद्दस में फरमाता है, जिसका मफहूम है कि बेशक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा और सुथरा ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने हयात है, दस्तूर ज़िंदगी है। अगर हम पैगंबर की ज़िंदगी को अपना लें तो हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका तो फरमाया कि पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, अपने मुल्क के साथ लोगों के साथ कैसा रहना है, ये सारे तरीके हमें बता दिया है। और हम सुल्तानपुर के लोगों से ख़ास तौर से ये अपील करेंगे कि हम ना रहेंगे, आप ना रहेंगे, लेकिन सुल्तानपुर यही रहेगा और हमारे बच्चे आने वाली नस्लें जो होंगी हमें देख करके वो फैसले लिया करेंगी। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि आपस में मेल मोहब्बत के साथ रहें, इसलिए कि बच्चे जो बड़ों से देखते हैं वही करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और सुल्तानपुर से 944 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज़ चैनल।